हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 47, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से लेकर के 1939 तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होंगे टोटल, उसके बाद है हम स्वतंत्र भारत में जाएंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम लोग देख चुके हैं और महात्मा गांधी के बारे में पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसके बाद नहीं छूटेंगे, आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आते हैं आंदोलन में स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुए कब और क्यों किए गए टोटल, जैसे असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद। दोस्तों, हम लोग असहयोग आंदोलन में पढ़े ही हैं जस्ट है। जैसे ही वापस लेने के बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। जब असहयोग आंदोलन के समय विधान परिषद का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, मतलब विधान परिषद जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उसको बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। एक दल जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास कर रहे थे तथा मोतीलाल दोनों मिलकर कर रहे थे, जिनका उद्देश्य था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, मतलब जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को भी हिस्सा लेना चाहिए। स्वराज पार्टी के बारे में दोस्तों बार बार सुने जाते सुने की होंगे, जो 1923 में हुआ था उसके वापसी के बाद, जो तब उद्देश्य नहीं जानते थे, लेकिन आप लोग याद रखना है कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। दूसरा दल जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जो इसका इनका जो मानना था, मतलब इनका प्रस्ताव के विरोधी थे, मतलब जो उनका प्रस्ताव था उसका विपरीत विरोधी थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में लगी रहे, जो रचनात्मक कार्य जैसे कि देश में क्या हो रहा है, देश की बातों मतलब सुनने, उसमें लगी रहे, न कि वो अपने सरकार की हिस्सेदारी विधानमंडलों में भाग ले। फिर 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो गया में हुआ, जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास कर रहे थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, इस अधिवेशन ने परिषदों में ना जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किए, उस बातों से लेकर के चित्तरंजन दास, मतलब परिषदों में ना जाने का स्वीकार कर दिया उसमें अध्यक्ष, मतलब अध्यक्षता में। फिर इस प्रस्ताव को समर्थन ने 1923 ईस्वी में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, याद रखना है उसी के एक साल बाद जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उस समय अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता कर रहे थे, जो कहाँ में, दिल्ली में आयोजित हुई थी। विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे देते हैं, मतलब उन्होंने, सबसे युवा नेता थे दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद, जो पहले शिक्षा मंत्री भी हुए, तो उन्होंने लड़ने की अनुमति दे दी। स्वराज्यों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में 101 सीट में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त की, मतलब जो हम लोगों को भर्तीय थे वो 100 सीट में से 42 पे उन्होंने विजय प्राप्त की। ब्रिटिश शासक द्वारा प्रस्तुत उन नीतियों और प्रस्ताव के लिए परिषदों की सम्मति प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया, मतलब कोई भी चीज़ होते थे उसको, मतलब प्रस्ताव को सम्मति जो प्रदान होती थी उसको करना असंभव बना दिया, मतलब कुछ कठिनाई होने लगी। सरकार ने 1928 ईस्वी में विधान परिषद में एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसके तहत वह भारत की आज़ादी के संघर्ष का समर्थन देने वाले किसी भी गैर भारतीयों को देश से निकाल सकती थी, मतलब किसी भी गैर भारतीय थे उसको देश से निकाल सकती थी। यह बिल पास नहीं हुआ, सरकार ने पुनः उस बिल को पेश करने की कोशिश की, तो परिषद की अध्यक्षता में विट्ठल भाई पटेल, उसी समय उनके विट्ठल भाई पटेल ने बिल को पेश करने की अनुमति नहीं दी, मतलब उसको ठुकरा दिया। जैसे ही उस अनुमति को खारिज कर देते हैं, उसके बाद परिषद में होने वाली जो चर्चा में भारतीय सदस्य अक्सर सरकार को पछाड़ देते थे, मतलब भारतीय जो सदस्य थे सरकार की किसी भी बात के लिए पछाड़ देते थे, मतलब उस बातों को पीछा कर देते थे और उसकी निंदा करते थे, मतलब वो गलत है या इस नीति को इस तरह नहीं लागू किया, इस तरह करते थे। फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी के जेल से रिहा हुए, उसी समय दोस्तों और बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता भी की थी, और रचनात्मक कार्यक्रम जिसमें कांग्रेस के दो गुटों ने स्वीकार किया था, कांग्रेस की प्रमुख
गतिविधि बन गई, मतलब उसी समय प्रमुख गतिविधि बन गई। उसके बाद है कि रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे प्रमुख घटक थे खादी का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और छुआछूत को दूर करना, मतलब अस्पृश्यता के अंत करना। उसके बाद है किसी भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए भी यह अनिवार्य हो गया कि वह हाथों से काटे और बुने गए खादी का ही प्रयोग करे तथा 2000 गज सूत काटे, मतलब कम से कम 2000 गज की सूत काटे, उसमें अनुमति पूरा पूर्ण रूप से दे दी गई। उसी के बाद दोस्तों, उससे पहले गांधी जी के बारे में हम लोग जाने कि चरखा संघ की स्थापना की 25 में, उससे पहले खादी ग्रामोद्योग अखिल खादी की अधिनियम की स्थापना किए, पहले गठन किया 23 में। तो इस तरह से 2000 गज सभी जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको 2000 गज सूत काटे थे। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की, देश भर में खादी भंडार खोले गए। गांधी जी खादी को गरीब की दरिद्रता से मुक्ति देने वाला और देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे। इससे आज़ादी के संघर्ष के संदेश को देश के हर हिस्से में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने में योगदान दिया। चरखा आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया। उसके बाद है कि आगे चल कर के आपको किसान और मजदूर का भी आंदोलन शुरू होते हैं। आज़ादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन जो असहयोग आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उसके बाद है किसान मजदूर सभी लोग इसमें भाग लिए, मुस्लिम भी भाग लिए। देश के विभिन्न भागों में किसान सभाएं हुई और उन्होंने जमींदार तथा ब्रिटिश अधिकारी के दमन के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी। किसानों को संगठित करने वाले कुछ नेता बाबा रामचंद्र विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा थे। चारों को नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मतलब पूछा भी जाता है। सहजानंद सरस्वती से तो अभी 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। अल्लूरी सीता राम राजू ने आंध्र प्रदेश के किसान तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। अल्लूरी सीता राम राजू जो आंध्र प्रदेश के किसानों का और आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। किसान आंदोलनों के दो पक्ष थे तथा दोनों का आज़ादी के राष्ट्रीय संघर्ष में संबंध था, दोनों का राष्ट्रीय आज़ादी के संघर्ष था। एक पक्ष था किसानों का आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, दूसरा पक्ष था किसानों की शिकायतों से संबंधित था। किसान की जो शिकायत होती थी, जैसे जमींदार सरकार तथा महाजन द्वारा किसान का शोषण जो होता था, उसी को शिकायत होता था। जिसमें उसी बीच में दोस्तों 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है, जो आप लोग अभी नाम सुने होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों आप लोग अमेरिका में है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले इस बारदोली सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। बाद में बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटा करके 6.03 कर दिया गया, मतलब 30% नहीं बल्कि 6.03, याद रखना इस बातों को। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। उसके बाद है यहाँ याद रखना है कि किसने प्रदान की वल्लभ भाई सरदार की उपाधि, तो आपको याद रखना है कि वहाँ की किस महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि प्रदान की। औद्योगिक मजदूर भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे थे। 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन आरंभिक दौर का एक प्रमुख मजदूर संगठन था, सबसे पहला यही था मजदूर संगठन। बीपी वाडिया और थिरुवी कल्याण सुंदरम चक्कराई चोट्टियार, मतलब इनका नाम है चक्कराई चोट्टियार, इसके प्रमुख नेता थे।
भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के एक अग्रणी नेता नारायण मल्हार जोशी थे। उन्होंने मजदूर के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या अदा की थी। इस संगठन की स्थापना बंबई में 1920 में हुई। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चित्तरंजन दास बाद में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अभी जो बीपीएससी का आप लोग देखेंगे कुछ दिन पहले का, तो उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता जो किए थे पहला किसने किए थे, लाला लाजपत राय, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय बंबई में हुए था स्थापना। और इसमें कभी कभी ए ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो प्रथम अध्यक्ष ए थे, उसके बाद ये सब भी अध्यक्ष बने थे बाद में चल करके। भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया। 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को तथा एनजी रंगा को बनाया गया। महासचिव उनको एनजी रंगा, याद रखना अध्यक्ष सरस्वती को और एनजी रंगा को सचिव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब समाजवादी विचारों का जो प्रसार हुआ किस प्रकार से हुआ उसको जाने, उसके बाद काकोरी कांड बारी बारी से हम लोग देखेंगे। समाजवादी विचारों एवं उन पर आधारित आंदोलन का लक्ष्य पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा निर्मित असमानताओं को समाप्त करना था। समाजवादी आंदोलन अपने दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, यानी वे सभी देशों के आम लोगों और मजदूरों को भाई भाई मानते थे तथा एक देश द्वारा दूसरे पर शासन करने के विरोधी थे। उन्होंने दुनिया के सभी भागों में सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापित करने में प्रयत्नशील आंदोलन और साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे संघर्षों का समर्थन दिया। रूसी क्रांति ने रूस के सम्राट जिसको जार के निरंकुश शासन को खत्म करने सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, जो 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति समाजवाद का निर्माण करना शुरू कर दिया था। रूसी क्रांति ने घोषणा की कि प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है। रूसी क्रांति ने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे सभी लोगों को अपना समर्थक मानते थे, मतलब सभी लोगों को अपना समर्थन दिया। भारत में बाहर रह रहे क्रांतिकारी में दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय ने कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में की गई वर्षों तक सक्रिय रूप से भाग लिया। समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार करने का उद्देश्य से कई समाजवादी तथा कम्युनिस्ट संगठनों की स्थापना हुई। उसके बाद इन संगठनों का अधिकांश नेता असहयोग आंदोलन से भाग लिया था, मतलब उसमें भाग से नहीं बल्कि मैं भाग लिया था। इन समूहों के कुछ नेता थे श्रीपाद अमृत डांगे, एम सिंगार वेलू, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद, ये सब उसमें भाग लिए थे, जो बाहर में भी नेताओं थे। इनमें से कुछ समूह एक दूसरे के नज़दीक आए और उन्होंने 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो आप लोग जानते हैं अभी चल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। मजदूरों और किसानों को संगठित करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति के देश के युवाओं तथा राष्ट्रीय आंदोलन के युवा नेता पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1934 ईस्वी में
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 1934 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया है। इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ जुड़कर काम किया। इसने किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने में तथा आज़ादी के संघर्ष के सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य से संबंधित कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, किस प्रकार से वर्क किया असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जो निराशा फैली थी भारत में, उससे 1920 ईस्वी के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनः शुरू हुई, जिसमें सचित्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, मतलब योगेश चटर्जी या चंद्र भी कहीं रहता है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने मिलकर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक संगठन स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना था। इस बातों को याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो किसने किया? तो बहुत सारे मिलके किए, लेकिन अगर पूछा जाए तो किसने, तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऐसे तो बहुत सारे इसमें मिलकर किए, लेकिन इसमें से किसी का एक का नाम हो तो इसमें नाम था सतीश नाथ सान्याल, जो बीपीएससी में आपको देखने को मिला है। उसके बाद एक काकोरी कांड जो होता है 9 अगस्त 1925 को, जिसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या घटना होता है, पूछा भी जाता है इससे। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ जो सहारनपुर पड़ता है संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का कांड के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया, जिसमें जो प्रथम थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो क्वेश्चन पूछा गया है, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिरी को, पहला को दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को दिया जाता है गोरखपुर में। उसके बाद है दोस्तों आपको रोशन लाल को दिया जाता है इलाहाबाद में फांसी। उसके बाद है अशफाक उल्ला खां को फौजाबाद में दिया जाता है फांसी, और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में फांसी दिया जाता है, जो गोंडा गंदगी के लिए भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग अभी करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ बातें थे बोल, जो आप लोग जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी जो गोंडा में उनको फांसी दिया जाता है, तो अभी तक तो दोस्तों इनके बारे में पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो काकोरी से। लेकिन दोस्तों अब पूछे ऐसे जा सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी दिया गया, तो कहाँ पे? गोरखपुर में। उसके बाद है रोशन लाल को कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। अशफाक उल्ला खां को कहाँ पे? तो फौजाबाद में। राजेंद्र लाहिरी को तो गोंडा में। आगे चल कर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त प्रायः सा हो गया था, मतलब समाप्त होने के कगार पर था। अतः इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में बैठक की गई। अब दोस्तों ऐसे पूछा जाता पुनर मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद है बैठक में HRA नाम
बदल करके इसको एच एस आर कर दिया गया, मतलब एसोसिएशन जो HRS कर दिया गया, इस बीच में जोड़ दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन के सक्रिय सदस्य में भागवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर और सुखदेव की प्रमुख भूमिका थी, मतलब और सब थे इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद है सैंडर्स की हत्या, ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं जो उसी से संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पहला उद्देश्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करना, पहला उनका उद्देश्य यही था कि स्कॉट की हत्या करना। जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अधिनियम के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। मतलब इन्होंने भगत सिंह ये तीनों थे मिलकर के क्या किए, भ्रम में, मतलब उनको भ्रम में बुला लिए, उसके बाद है कि इस तरह से उनको हत्या कर देते हैं पर सैंडर्स की, उसके बाद है उनको फांसी हो जाती है। आगे दिया गया है एक और चीज़ करते हैं, बम फेंकने के दो चीज़ कर किए रहते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप मात्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा उनकी आयु था। उनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि उनकी जब फांसी दे दी गई थी तब उनकी आयु कितना था, तो मात्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा, इस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, 22 वर्ष रहते हैं, 23 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 21 वर्ष से ज़्यादा कर लगाना है, तो आप लोग ध्यान रखना इस बातों को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, उनके से उन्हीं के संबंधित है। सबसे नाटकीय घटना, नाटकीय घटना कहने का अर्थ है दोस्तों, मतलब नाटकीय घटना हम लोग जान लेते हैं, 8 अप्रैल 1929 को नाटकीय घटना पूछा जाए तो इस बातों को भी ध्यान रखना है, को केंद्रीय विधानसभा में घटित हुई। भगत सिंह और बक्टुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा विधानसभा में दो बम और कुछ पर्चे फेंके जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी, मतलब दो चीज़ों पर बहस चल रही थी, सभी को सुरक्षा विधेयक पर, दूसरा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। पर्चे में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है, मतलब जो लोग नहीं सुनते हैं उसके लिए बमों की आवश्यकता है, उस पर्च पे पर्चा पर लिखा था, उसके बाद का फेंक ही देते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की, वे वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। तो याद रखना है कि इनकलाब का नारा किसने लगाया, तो भगत सिंह ने, किसने दिया, तो भगत सिंह ने, वो खड़े रहे और लगाते रहे इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जेल में उनके साथ बुरा सलूक किया गया, जैसे ही जेल में किसी को डाला जाता था उस समय तो बहुत टॉर्चर किया था, 3rd degree तक की टॉर्चर कर दिया जाता था, तो विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मतलब जेल में जब उनके साथ बुरा सलूक किया तो उन्होंने भूख हड़ताल वहीं पर शुरू कर देते हैं। भूख हड़ताल के 64वें दिन एक क्रांतिकारी जो उसी में थे, जतीन दास की मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारी ने बड़े साहस का परिचय दिया और वे आख्यान पुरुष बन गए, मतलब अपने परिचय दिया क्रांतिकारियों को साहस का, आख्यान पुरुष बन गए। उसी के बाद एक घटना घटते उन्हीं से संबंधित है, जो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो 1929 में लाहौर में होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक HSRA क्रांतिकारी भी गिरफ्तार किए गए। उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, मतलब जो भी व्यक्ति थे सभी पे उनके, मतलब लाहौर षड्यंत्र में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारी को दोषी पाया गया और उनमें से 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई।
फांसी के समाचार से भारतीय जनता को बड़ा आघात लगा। सारे देश में हड़ताल हुई, जुलूस निकाले गए, शोक सभाएं हुई। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने पुनः भाग निकले, उसी में भागने में सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद में पुलिस के साथ हुई एक भिड़ंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब उन्होंने एक बातें कही थी जो आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास के हिंदी में इस बातों को, कि उनको मारने के बाद भी सभी अंग्रेज जो अधिकार मतलब पुलिस थे वो डरते थे, उनको मारने के बाद आत्महत्या करने के बाद उन पर लगभग 5-6 गोली चलाई थी। उसी के बीच में एक और घटना घटती है जो चटगांव अमेरी रेड रेड पड़ता है। उसमें क्या होते हैं, बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठन में सूर्य सेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन का विशिष्ट स्थान था। इस बातों को याद रखना है, सूर्य सेन के बारे में पूछा गया है कि स्थापना किसने की है, IRA की स्थापना किसने किया, तो कौन किसने किया, सूर्य सेन ने किया। सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे चल कर के वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए, मतलब आगे चल कर के शिक्षक बन जाते हैं जो अब राष्ट्रीय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रहता है, भारत के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जो स्थापित किए गए जो स्कूल रहते हैं उसमें शिक्षक बन गए, और इसीलिए वह सामान्य मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मास्टर दा, दा का मतलब दा, तो इस क्वेश्चन भी पूछा गया कि मास्टर दा किसे कहे जाते हैं। UPSC में आप लोग PGPSC देखेंगे अगर घटना चक्र का बुक पढ़ते हैं तो। पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्य सेन के नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने विद्रोह किया। मतलब वो तो शिक्षक थे ही, उस एरिया के जो युवक थे और लड़की थी मतलब युवतियां ने उसको विद्रोह किया पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक पर। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें चटगांव मेमन सिंह बरिसाल के शास्त्रगारों पर एक ही समय हमला करने की योजना की थी। मतलब उसमें लिखा गया था, उसमें क्या लिखा था कि इस तीनों जगह पे मतलब चटगांव मेमन सिंह बरिसाल के शास्त्रगारों पर एक ही समय हमला की योजना थी। इन क्रांतिकारियों ने पुलिस शास्त्रगारों सहायक टुकड़ी पर अधिकार करने, टेलीफोन एक्सचेंज और तार घरों को नष्ट करने के लिए 4 जत्थे भेजे। 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना को वर्दी पहनकर पुलिस शास्त्रगार पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया और कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति जो थे मतलब राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष की बात करते हैं, राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। यह घटना चटगांव अमेरी रेड के नाम से जानी जाते हैं। दिसंबर 1930 ईस्वी में तीन जवानों जिसमें विनय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके कारागार महानिरीक्षक की हत्या कर दी। मतलब कारागार जो महानिरीक्षक थे उसी को हत्या कर देते हैं तीनों मिल करके, विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उसके बाद है अमेरी रेड मुकदमे के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अंडमान जो पड़ता है जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो उसी एरिया में, अंडमान जो उसको बगल का एरिया है, उसके बाद की एरिया, उसमें उन दोनों सभी को आजीवन कारावास मिल जाता है। उसी के बीच में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां, जिसमें एक लड़की का नाम है प्रीति लता वाटेदार, दूसरा कल्पना दत्त थी। अंग्रेजों के हाथ न पड़े इसीलिए प्रीति लता ने जहर खा लिया एवं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद 1920 के दशक में ही आरंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों फिर से शुरू हुई। वे देश के विभिन्न भागों में कुछ वर्षों तक जारी रही। इस बीच क्रांतिकारी महसूस करने लगे कि हिंसात्मक घटना से कोई लाभ नहीं होगा। उनमें से अधिकांश समाजवादी विचारधारा की ओर
आकर्षित हुए। भगत सिंह और उनके मित्र ने देश में समाजवादी क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर जोर दिया। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता क्रांतिकारियों के तरीकों के विरोधी थे तथा अधिकांश लोगों ने संघर्ष का अहिंसात्मक तरीका अपनाया। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया था तब क्रांतिकारियों की गतिविधियां ने देश में लड़ाकू वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नए नेताओं का उदय हुआ जिसमें से कौन कौन थे। 20वीं सदी के तीसरे दशक में युवा नेताओं के एक नए समूह का उदय हुआ जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक महत्व की भूमिका अदा की। इन तरुण नेताओं ने जनता को संगठित करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट करने में योगदान दिया। नए नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता की आकांक्षाओं के साथ जोड़ने पर ही यह सफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की दरिद्रता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज़ादी प्राप्त करना आवश्यक है। उसके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज की पुनर्संरचना करना, दरिद्रता पिछड़ेपन को समाप्त करना एवं समानता का न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इन नए नेताओं ने देश के जवानों को बड़ा प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं पर समाजवादी विचारों तथा रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा था। सोवियत संघ की साम्राज्यवादी विरोधी विदेश नीति ने और रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ के एशियाई भागों की प्रगति ने उन्हें बड़ा प्रभावित किया। नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे प्रमुख जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। उसी के बीच जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, तीनों बातें हैं दोस्तों जो बीपीएससी में अधिकतर पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में लौटने पर गांधी जी के संपर्क में आए। मतलब दोस्तों जो भारतीय क्रांतिकारी थे ना, जो भी इंग्लैंड में जाते थे तो वहाँ पे देखते थे इंग्लैंड की नीतियाँ कि मतलब कितने अच्छे से कोई भी चीज़ गलत करने पर कितने अच्छे वहाँ की राजनीति व्यवस्था थी। जैसे ही वहाँ से भारत लौटते थे तो उनको अजीब लगता था कि वही जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग हैं जो इन ब्रिटेन में किस प्रकार की नीतियाँ अपनाते हैं और यहाँ पे भारतीयों के साथ किस प्रकार की शोषण करते हैं, तो इसी के विरुद्ध में आंदोलन शुरू करते हैं। सभी लोग क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए गांधी जी से प्रभावित होकर के। उसी के लिए उनको प्रथम जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। उनकी दृष्टि में जनता की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष आवश्यक है। मतलब उन्होंने पढ़ के आए थे, उन्होंने कहे कि जनता की जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। वे पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों की जनता को कष्ट को महसूस किया। मतलब इस बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है कि पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय राजाओं द्वारा, भारत के जो राजा थे उसके द्वारा राज्यों की जनता जो होती है उसके कष्ट जो हुए थे जनता को, उसको महसूस किया था। जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने की में मदद की। उसके बाद है गांधी जी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता
की आज़ादी के संघर्ष में सबसे बड़े नेता बन गए। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक जो उड़ीसा में पड़ता है 1857 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी। और याद रखना, राय बहादुर किसे कहा था, उन्हीं को जो उन्होंने बाद में लौटा दी थी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। मतलब पहले जो हम लोग तैयारी करते हैं अभी UPSC का, उसका जो एग्ज़ाम पहले होता था इंग्लैंड में ही होता था, तो उसके तैयारी करने के लिए इंग्लैंड में गए। 1920 ईस्वी में वे इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए। मतलब क्या होते हैं कि 1920 में उन्होंने सिविल सर्विसेज पास कर लेते हैं। सफल विद्यार्थियों में उन्होंने 4वां स्थान प्राप्त किए। मतलब पूरा ऑल इंग्लैंड से लेकर के ऑल इंडिया रैंक, मतलब पूरे इंडिया लेकर के और जो दोनों एक साथ ये संयुक्त परीक्षा होते थे उसमें से 4वां स्थान प्राप्त करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड उसी बीच 1919 में जो होता है उससे सुभाष चंद्र बोस को बड़ा सदमा पहुंचता था, मतलब पहुंचाया था, जिसके वजह से अप्रैल 1921 ईस्वी में वह भारत लौट आए। मतलब वह सिविल सर्विसेज छोड़ करके मतलब भारत लौट आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। मतलब किसी को भी दोस्तों, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें 1000 लोगों की मौत होगी, तो उससे हाथ पहुँच करके उन्होंने लौट आते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 में भी भाग लिया और इस दौरान वे चितरंजन दास के संपर्क में थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे और नेताजी के नाम से लोकप्रिय हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेताजी किनका नाम है, तो सुभाष चंद्र बोस का। क्यों? तो क्योंकि एक राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में पूरा ऑल इंग्लैंड से लेकर के ऑल भारतीय में 4वां स्थान प्राप्त किए थे, तो बहुत जानकार व्यक्ति थे और जिसके वजह से वो इस तरह से आंदोलन में बहुत बड़े नेता बन गए। उसी के लिए उन लोग को क्या बोला गया, नेताजी कह करके कहा जाने लगा, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। 1924 में उन पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और 3 साल का जेल में भी उनको रखा गया था। कब? तो 1924 में, जब कांग्रेस का अध्यक्षता किसने कर रहे थे, महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए विचारधारा के नेता थे। मतलब वो दोनों, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों दोस्तों इंग्लैंड से पढ़ के आए और उसके बाद है कि जा कर के और राष्ट्रीय आंदोलन के एक विचारधारा के नेता थे, क्योंकि उनका अलग विचारधारा थी। वे ब्रिटिश शासक के विरुद्ध संघर्ष के अधिक तीव्र बनाना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि ये जो संघर्ष चल रहा है स्लोली, मतलब बहुत दिनों से, 200 वर्षों तक अंग्रेज ने शासन किया, अधिक उससे ज़्यादा भी, तो जो चल रहा है उसको एकदम तीव्र बनाना चाहते थे। वे कांग्रेस के स्वराज के उद्देश्य को संतुष्ट नहीं थे। मतलब कांग्रेस के जो मतलब बातें थी कि गिरगिराती हुई, इसलिए तो बहुत सारे उपाधि दिए हैं कि कांग्रेस को क्या क्या बोला, हमने पिछले बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो उन्होंने उसके जो विचारधारा थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उनका स्वराज का मतलब था साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था। मतलब जो भी स्वराज है कि स्वशासन प्राप्त करना था, अतः यह पूर्ण आज़ादी नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा, राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होना चाहिए और आम जनता के सक्रिय सहयोग से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साइमन कमीशन उसके बाद आता है। अब आते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन है जो ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी के इंडिया एक्ट के कामकाज जो थी उसके जांच करने के लिए एक कमीशन, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, नियुक्ति की। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसीलिए वह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में
कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कमीशन जो है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। उस दिन सारे देश में हड़ताल हुई। उसी दिन दोपहर को कमीशन को बहिष्कार की घोषणा करने के लिए सारे देश की सभाएं, सारे देश में दोस्तों सभाएं भी हुई। कमीशन जिस स्थान पर भी गया वहां उसके विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुआ और हड़तालें हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारी के साथ जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके घोषणा की गई थी कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और एस सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया था। पूर्ण स्वराज की मांग को तेज करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन की स्थापना 1942 में की गई। याद रखना इस बातों को, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अयंगर, सत्यमूर्ति और शरत चंद्र बोस जैसे कई नेता इस लीग के नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला। उसके बाद है दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता की मांग शुरू हो जाती है, जो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसी ने इसकी मांग की। गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 के स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ क्या? पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसलिए दोस्तों लागू हम लोगों को जब संविधान लागू किया गया 26 नवंबर को बन करके तैयार हुआ, लेकिन लागू जो हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो इस बातों को भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना है। हम लोग उसको पॉलिटी में देखेंगे ऐसे, लेकिन फिर भी इस बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। 26 जनवरी 1930 को इस दिन सारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और उसी दिन भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। 26 जनवरी को स्मरणीय दिन को 1950 ईस्वी में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुन लिया गया और उसी दिन भारत का नया संविधान भी लागू हो गया। उसके बाद दोस्तों एक आंदोलन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में उसी के बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 साथियों मतलब सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है अभी 65वीं BPSC में, जो 15 तारीख को हुए थे। दांडी अहमदाबाद के करीब 385 किलोमीटर दूर, मतलब 385 बहुत ज़्यादा होते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। गांधी जी उनके साथ थी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर, मतलब वाष्पीकरण से जो जानते हैं उद्भरपातन की प्रक्रिया द्वारा वो बनता है नमक, जो पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, आप लोग केमिस्ट्री से रिलेट करके याद रख लेना है उसको भी। गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ा, मतलब नमक कानून इसको कहते हैं। नमक के उत्पादन पर सरकार का बहुत ज़्यादा कर था, एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राम गोपालाचारी, जो प्रथम
वासराय हुए भारतीय वासराय ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचलापल्ली से वेदरायनम तक चली यात्रा की। धरासाना जो गुजरात में पड़ता है, सरोजनी नायडू जो एक प्रसिद्ध कवित्री थी, कांग्रेस की एक प्रमुख नेता थी, जो जानते हैं कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय जो यही अध्यक्ष हुए थे कौन, तो सरोजनी, माफ़ कीजिएगा, मतलब एक कवित्री थी वो, नहीं मतलब वो तो आपको सरोजनी नायडू तो कवित्री थी और कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, के नमक से सरकारी डिपो तक अहिंसात्मक सत्याग्रह की यात्रा का नेतृत्व भी किया था। उसके बाद देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और बाद में लोगों ने कर देने का भी मना कर दिया। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफर खां कर रहे थे, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं हम लोग। साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार कांग्रेस ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेना स्वीकार कर दिया। उसी बीच में दोस्तों वापस लेना स्वीकार करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 ईस्वी में कराची में आयोजित कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में समझौते को मान लेने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया, जिसमें दूसरी गोलमेज सम्मेलन में दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता किए थे, भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी कांग्रेस की ओर से चुना गया। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में उन मौलिक अधिकारों का जिक्र था कि जिन्हें जाति धर्म के भेदभाव के बिना जनता का प्रदान करने का वादा किया गया था। प्रस्ताव में कुछ उद्योग के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के विकास और मजदूर एवं किसान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी स्वीकार किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो गांधी जी थे। याद रखना, तीनों में जो भाग लिए थे आप लोग जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर थे, मतलब कांग्रेस की ओर से एकमात्र जो थे महात्मा गांधी थे। गांधी जी के अलावा अन्य भारतीय ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उनमें भारतीय राजा और हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदाय के नेता थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन 28 दिसंबर 1931 को पुनः शुरू कर दिया गया, लेकिन यह उतना व्यापक नहीं था जो पहला था। इसीलिए एक बात याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो लंदन में हुआ था। उसके बाद है कि गांधी जी और दूसरे नेता गिरफ्तार किए गए। करीब एक साल के भीतर 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन को मई 1934 ईस्वी में वापस ले लिया गया, मतलब फिर देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन भी हुए कुछ, जैसे कि क्या होते हैं सो जानेंगे इसमें। भारत में अंग्रेज द्वारा शासित प्रदेशों के अलावा भारतीय नवाब राजाओं द्वारा शासित रियासतें भी थीं। ये रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थीं। अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए इन रियासतों को बनाए रखा था, मतलब अंग्रेज ने इन रियासतों को बनाए इसलिए रखा था कि अपने शासन को मजबूत बना सके। इन रियासतों की संख्या लगभग 562 थी और इनमें भारत की करीब 20% आबादी बसी हुई थी। इनमें जम्मू व कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद जैसे कुछ राज्य तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्य से भी बड़े थे, मतलब जो ये तीनों राज्य थे उससे भी बड़े थे। अधिकांश रियासत में जनता की दशा शेष
देश की जनता की शेष देश की जनता की दशा से भी बदतर थी। मतलब अधिकतर राजा अपनी रियासतों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। ये राजा विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। शिक्षा के प्रसार, गरीबी दूर करने और जनता का जीवन स्तर सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। मतलब वो लोग नहीं कर रहे थे। उसी के बीच अनेक रियासत में अभी भी कई अमानवीय प्रथाएं जारी रखी, जैसे बेगारी की प्रथा, यानी बिना मजदूरी दिए लोगों को काम करवाना। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो रियासतों के लोगों में भी जागृति आने लगी। वे जनतांत्रिक अधिकारों और जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। उसके बाद आगे चल कर के यह आंदोलन लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इन राजा को प्रजामंडल जैसे संगठन स्थापित किए गए। आरंभिक के संगठन जिसमें प्रजा वर्मा, प्रजा जो वर्मा के क्षेत्र में पड़ता है, आदि के नेतृत्व में राजस्थान के रियासतों को में स्थापित हुए। रियासत की जनता के ये सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस में एकीकृत हुई, जिसमें बलवंत राय मेहता जिन्होंने भावनगर जो गुजरात में पड़ता है प्रजामंडल का स्थापना की थी, इन नए संगठनों के सचिव बने थे। उसके बाद आगे चल कर के इन संगठनों की मांग भारतीय रियासत में भी की गई। भारतीय राष्ट्र का अंग माना जाता, मतलब जो बातें थी, मतलब जो क्षेत्र था उसको भारतीय रियासतों को भी राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र का अंग माने जाने लगा। 20वीं सदी के चौथे दशक में भारतीय रियासत की जनता का आंदोलन अत्यधिक शक्तिशाली बन गया। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे राजस्थान में जय नारायण व्यास तथा जमुना लाल बजाज। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के नेता जय नारायण व्यास और जमुना लाल बजाज, ओडिशा में सार रंगधर दास, श्रावण कौर एवं एनी मस्करेने तथा पद्म थानु पिल्लई, और जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हैदराबाद में स्वामी रामानंद तीर्थ। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। राजा महाराजाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने में भी अंग्रेजों की मदद की। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भारतीय रियासतों का इस्तेमाल किया। मतलब जैसे कमज़ोर करने के लिए बार बार इसका तो इस्तेमाल किया ही जाता है। जब देश आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा तो कई राजा महाराजाओं ने दावा किया कि उनकी रियासतें स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस ने कई वर्षों तक रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करने का नीति अपनाई, जिससे वो अलग रहेंगे। ऐसा होता है, लेकिन आगे चल करके उस पर भी कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज लोग। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों को समूह सहित समूचे देश के लिए। मतलब उसके बाद बात किया गया कि पूर्ण स्वराज की समूचे देश के लिए सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता जो हुई थी 1938 में, उसमें कहा गया घोषणा में। जवाहरलाल नेहरू को जो कई सालों से रियासतों की जनता के संघर्ष को सहयोग दे रहे थे, 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता को फूट डालने के प्रयास किए। उनकी एक चाल सांप्रदायिकता का प्रोत्साहन देना भी था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो चुकी थी, इसी तरह हुई थी। इसी के लिए 1815 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। मतलब 15 में, 6 के बाद दोस्तों 15 में भी अलग अलग दोनों को हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की नीति अपनाते हैं, उससे पहले हो चुका था। सांप्रदायिकता का जहर 1920 ईस्वी के बाद तेजी से फैलने लगा। हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन शुरू हुए। इन्होंने विभिन्न जातियों में अक्सर तनाव पैदा किया। 1920 ईस्वी के दशक में धर्म के नाम पर दंगे हुए और अनेक अनेक उसमें बेकसूर लोग थे जो मारे गए।
24 ईस्वी में गांधी जी ने 21 दिन का अनशन करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद आगे चल करके 1931 ईस्वी में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्र में गए, परंतु उन्हें दंगे के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में ही उन्हें शहीद होना पड़ा। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता में जो मार चल रहे थे उसी बीच में इनको मार दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं। सन 1916 ईस्वी से कुछ साल तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर काम किया था। मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन उसी स्थान और उसी सम्मेलन उसी समय करने शुरू किए जहां कांग्रेस का अधिवेशन होते थे, दोनों एक साथ ही करते थे। 1924 ईस्वी में यह प्रथा बंद हो गई। उसी समय हिंदू महासभा भी सक्रिय हो गई। सिखों के बीच सांप्रदायिक नेताओं ने भी सांप्रदायिक मांगे उठानी शुरू कर दी। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रथा पहले शुरू की गई थी उनमें 1932 में सिखों पर भी लागू कर दिया गया। जिस दौर में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल में पहुंच गए, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे। कभी कभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के समय सांप्रदायिक दलों के कुछ नेताओं ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी भारतीयों की समानता के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया, परंतु सांप्रदायिक दल सामाजिक सुधारों के भी विरुद्ध थे। उनके मतानुसार सभी भारतीय को हित में समान नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में एक राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए। ज़्यादातर मुसलमानों ने पृथक राज्य की मांग का विरोध किया। आज़ादी के संघर्ष में दूसरे समुदाय के लोगों की तरह मुसलमानों ने भी भाग लिया था और ब्रिटिश सरकार के दमन को उन्होंने भी झेला था। उसी समय एक अशफाक उल्ला खां, जो पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी, यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में दोस्तों पूछा गया है। मुस्लिम कांग्रेस में बड़ी संख्या में थे। किसानों और मजदूरों के संगठनों ने समान सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सभी समुदाय के लोगों को एकजुट किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक महान नेता मुस्लिम थे। मुसलमानों ने भी अधिकांश धार्मिक नेता भी मुस्लिम लीग और पृथक राज्य की मांग के विरोधी थे। उन्होंने पहचाना कि मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है तथा तत्कालीन समस्या विदेशी शासन को समाप्त करना है, तो इसलिए विदेशी शासन को समाप्त भी किया जाता है। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और दूसरे धर्म के लोगों सामने एक समान समस्या थी, गरीबी, पिछड़ेपन, असमानताओं की समस्या, जो आगे चल कर के वो बनते रहते हैं। 1930 ईस्वी के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग और हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठनों का कोई खास प्रभाव नहीं था। दलित वर्गों के लोग जो थे किस प्रकार थे, जैसे उस समय सुधार आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं के बीच की तथाकथित निम्न जाति का उद्धार करना भी था। इन आंदोलनों ने तथाकथित निम्न जातियों से उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने में और विशेषकर छुआछूत, जो कहते हैं अस्पृश्यता का शर्मनाक प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अछूत जाति के लोग को मंदिरों में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में कई अभियान आयोजित किए गए। पेरियार नामक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नाम से लोकप्रिय बीए रामास्वामी नैयर के बाद आत्मसम्मान आंदोलन, जिसको सेल्फ
रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया जो दलित वर्गों के आंदोलन का प्रमुख नेता भीमराव अंबेडकर थे। अब इसमें याद रखना है जो पेरियार आंदोलन के किसने लोकप्रिय नेता थे, रामस्वामी नैयर। क्वेश्चन पूछा गया दलित वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, पत्र पत्रिकाएं निकाली तथा संस्थाओं स्थापित की। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दलित वर्गों के हितों की मांग उठाई। गांधी जी ने अस्पृश्यता की कुप्रथा को समाप्त करने के काम को बड़ा महत्व दिया था। उन्होंने छुआछूत विरोधी संगठन, जो अस्पृश्यता विरोधी कई संगठन भी स्थापित किए। छुआछूत को उन्होंने हरिजन नाम दिया, मतलब अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया था। इसी नाम की एक पत्रिका निकाली थी 1932 में ब्रिटिश सरकार ने, तथाकथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी। लेकिन दोस्तों इसी में अनशन पे महात्मा गांधी बैठ जाते हैं, उसके बाद उसको ख़त्म करके, लेकिन वोट देने का अधिकार उसी को था, यही बात के लिए इसमें अनशन होता है। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया। गांधी जी उस समय जेल में थे, उन्होंने जेल में ही इस निर्णय के विरुद्ध अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि अस्पृश्यता की जड़ मूल से उन्होंने उच्छेदन हो, मतलब ख़त्म हो। इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने में भी मुझे प्रसन्नता होगी। अतः मैं एक समझौता हुआ, मतलब उसके बाद अंततः उसके बाद एक समझौता होता है जिसके तहत पृथक निर्वाचन के निर्णय को वापस ले लिया गया। उसी के साथ यह भी तय किया गया कि तथा कथित अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। जो अभी देखते हैं आरक्षण की बात, तो इसी समय तय कर लिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग का संगठनों भारतीय समाज के दलित समुदायों को उद्धार के लिए कार्य करते रहे थे। उसके बाद है दोस्तों, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। उसके बाद विश्व में भी उस समय जो कुछ आंदोलन चल रहे थे, तो हम लोग दूसरे में देखेंगे। मिलते एक नए वीडियोज़ में।